Yes, so in the last two to three classes, we have discussed and covered the phase diagram, eutectic phase diagram for the alloy copper and silver. How the eutectic diagram of copper and silver is made, right? Each and everything we have seen. Now, the next eutectic phase diagram for the alloy, that is lead and tin, right? तो एक दूसरा यूटेक्टिक डायग्राम और देख लेते हैं लेड और टिन के लिए, राइट? तो हाउ टू ड्रॉ द फेस डायग्राम, यूटेक्टिक फेस डायग्राम फॉर एन एलॉय, राइट? तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपको फाइव वैल्यूज यू हैव टू रिमेम्बर ऑलवेज फॉर मेकिंग द यूटेक्टिक फेस डायग्राम फॉर एनी एलॉय, राइट? हर एलॉय की जो वैल्यूज होंगी वो अलग अलग होंगी, राइट? तो आपको क्या क्या याद रखना है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एलॉय लिया लेड इन टिन, राइट? सो वी शुड नो अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द लेड एंड टिन, राइट? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ लेड? लेड इज डिनोटेड बाई पी बी, इट इज डिनोटेड बाई पी बी. सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पी बी इज 327 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ लेड. देन मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द टिन, राइट? एस एन. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ दिस मेटल इज 232 डिग्री सेल्सियस. बिफोर मेकिंग एनी फेस डाइग्राम, राइट, दीज वैल्यूज यू शुड नो, है ना? ये वैल्यूज तो हमें मालूम होना ही चाहिए, राइट? देन नेक्स्ट वैल्यू वी हैव टू रिमेम्बर, जो हमें याद रखनी है वो है यूटेक्टिक टेम्परेचर फॉर दिस एलॉय. यूटेक्टिक टेम्परेचर फॉर दिस एलॉय टीई, द यूटेक्टिक टेम्परेचर ऑफ दिस एलॉय इज 183 डिग्री सेल्सियस. राइट, देन नेक्स्ट फिर क्या याद रखना, व्हाट इज द एलॉय कंपोजिशन एट यूटेक्टिक पॉइंट, फॉर यूटेक्टिक पॉइंट. यूटेक्टिक पॉइंट के लिए कंपोजिशन एलॉय की क्या वैल्यू रहती है? कंपोजिशन एलॉय एट यूटेक्टिक पॉइंट डिनोटेड बाय सीई, राइट? सीई इस एलॉय के केस में ये रहती है आपकी 61.9%. दिस इज द कंपोजिशन एलॉय फॉर यूटेक्टिक पॉइंट, राइट? आफ्टर दैट टू टू थ्री मोर वैल्यूज यू हैव टू रिमेंबर, है ना, फॉर मार्किंग द रिमेनिंग पॉइंट्स ऑन द फेस डायग्राम, राइट? So first of all, we mark these four points, and after that we will discuss about those points. So how to draw the phase diagram? First of all, draw the two reference line x and y. On the x axis, we will show the compositions of an alloy, and on the y axis, we will show the temperature of an alloy. Draw two reference lines. Yes, these are the two reference line x and y axis. On the x axis, here we are going to show the weight percentage of tin. Weight percentage of tin, right? So at this end you will indicate PV, right? And the right end we will indicate SN, right?
and here the percentage of SN at this point is 0, right? Then we will start to add the tin with the PV. In this case, SN means tin. Tin is the solute. इस केस में आपका जो एस एन है वो क्या है आपका सॉल्यूट राइट एंड पीवी पीवी क्या है आपका इस केस में आपका पीवी है सॉल्वेंट दिस इज सॉल्वेंट राइट So here the percentage of PV SN is 0, then we added 20%, then we added 40%, then 60%, then 80%, or then 100%. At this point, 100% tin is mixed with the PV, right? Yes. So here we will show SN, right? And on the vertical axis, we will show the temperature in degree Celsius, right? So how to mark the range of temperature? अब यहाँ पर हम temperature की range कैसे mark करें? Right? So we know that before marking the temperature on the vertical axis, first we have to see the melting point of the PV. The melting point of the PV is 327 degree Celsius, right? So according to this temperature, we have to maintain the range of temperature on the Y axis, right? So we can start from zero. Here the temperature is 0 degree Celsius, then 100 degree Celsius, then 200 degree Celsius, according to the melting temperature of the base metal, you have to choose your criteria. You have to choose your proper intervals, right, of the temperature, 300, then 400. राइट तो इस तरीके से हमने टेम्परेचर से यहाँ मार्क किया बिकॉज द मैक्सिमम टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट 327 तो लास्ट टेम्परेचर इन अवर स्केल 400 डिग्री सेल्सियस अब विद द हेल्प ऑफ स्केल आर फ्री हैंड ड्रॉ द नंबर ऑफ लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस सो वी कैन मार्क अवर रेफरेंस पॉइंट्स इजीली Yes, these are the construction lines, right? These are the construction line drawn with very lightly, है ना? ये आपको बहुत light way में draw करनी है. अब आपके पास हमारे पास तो colored pen नहीं है, हमारे पास blue pen है, black है, right? तो आप blue pen को बहुत light way में चलाएं ताकि lines बहुत light दिखें, जैसे कि आपने drawing में आपने pencil work किया था, right? तो pencil work में कहा जाता है ना आपसे, कि all the construction lines are drawn by 2H pencil, right? लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हम फिर अलग अलग पेंसिल्स यूज नहीं करते हैं जो हमारी एच बी पेंसिल है उसी को हम बहुत लाइट वे में भी हम रन कर दें तो वो आपका 2H का वर्क शो करती है तो वैसे ही आप तो पेन के साथ अपना अपनी कंट्रोलिंग रखना है ना दीज आर दी कंस्ट्रक्शन लाइन्स इनका कोई यूज नहीं है ये डार्क लाइन्स नहीं बनाना है आपको ओके
After this, now we have to mark the different temperatures and composition of an alloy. So first we have to mark the melting point of lead and tin, right? So melting point of lead is 327. This is 300 degrees Celsius. This is 400. At the center, this will be 350, right? तो बिलो 350 मार्क 327 डिग्री सेल्सियस यहाँ कहीं होगा अंदाज से आपको मार्क करना है राइट दिस इज 327 राइट 327 डिग्री सेल्सियस राइट देन मार्क 232 डिग्री सेल्सियस दिस इज एट नाउ गो टू द राइट एंड राइट एंड पे आप जाएं क्योंकि ऐसे नहीं यहाँ पर है आपका राइट तो मार्क 232 डिग्री सेल्सियस दिस इज 200 यहाँ पर आपका 200 है यहाँ 250 होगा 250 के थोड़ा सा नीचे आ जाएं आप दिस इज 232 डिग्री सेल्सियस राइट इस तरीके से हमने मेल्टिंग पॉइंट्स वी हैव मार्क्ड ऑन द रेफरेंस लाइन इनको नाम नाम दे दीजिए आप इसको मैंने ए राइट एंड दिस इज बी राइट नाउ नेक्स्ट स्टेप नाउ मार्क द यूटेक्टिक टेम्परेचर यूटेक्टिक टेम्परेचर ये वैल्यूज आपको याद रखनी है ये गिवन नहीं होंगी राइट तो 183 डिग्री सेल्सियस यूटेक्टिक टेम्परेचर फॉर दिस एलॉय इन केस ऑफ निकल एंड सिल्वर द यूटेक्टिक टेम्परेचर वी हैव सीन दैट वाज 779 डिग्री सेल्सियस लेकिन इस एलॉय के लिए बहुत कम टेम्परेचर है ये यूटेक्टिक टेम्परेचर तो दिस इज 200 150 200 के बीच में नाउ वी कैन मार्क 183 तो यहाँ कहीं आप मार्क कर सकते हैं 183 180 डिग्री सेल्सियस दिस इज 180 डिग्री सेल्सियस दिस इज यूटेक्टिक दिस लाइन इज शोइंग द यूटेक्टिक temperature that is 183 degree Celsius right now we have to mark the eutectic point we have to mark the eutectic point hame mark karna hai ab eutectic point kahan par exist karta hai eutectic temperature line pe mainly line bas hame ek quadrant aur kya chahiye composition weight percentage of tin to eutectic point ke liye weight percentage of tin kitna rehta hai wo rehta hai aapka 61.9% ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है 61.9 नाउ गो टू द कंपोजिशन ऑफ एन एलॉय ऑन द एक्स एक्सिस फॉर 61.9% दिस इज 60 सेंटर में 70 होगा और 70 60 के बीच में 65 तो और इधर आ जाए आप 61.9 तो ये यहाँ कहीं आएगा आपका 61.9 राइट तो इस तरीके से मुझे फाइनली यूटेक्टिक पॉइंट मिल गया है वो है ये दिस इज आवर यूटेक्टिक पॉइंट नेम दिस पॉइंट मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया ई दिस इज पॉइंट ई राइट Now finally join these points A, E, B through a straight line. इनको straight line से आप join कर दीजिए. These are our final curves for the phase diagram. ये जो line हमने draw की है ये हमारी final lines हैं, right? और इस line का नाम क्या है? आप सभी जानते हैं. इस लाइन ये दोनों लाइन को हम क्या कहेंगे लिक्विडस लाइन
इस लाइन का क्या नाम है? लिक्विडस लाइन। बोथ लाइन्स आर नोन एज लिक्विडस लाइन, राइट? एंड अबव दिस रीजन, अबव ए ई बी के ऊपर आपका जो रीजन एग्जिस्ट कर रहा है, जो स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, वो स्टेट कौन सा है आपका? दैट इज लिक्विड स्टेट। ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपका, हाँ, ये आपका पूरा का पूरा लिक्विड स्टेट है ना, जिसको आप यहाँ एल लिख सकते हैं, राइट? ये पूरा आपका ए ई बी के ऊपर पूरा क्या है आपका? लिक्विड स्टेट है, राइट? अब नीचे चलते हैं, राइट? तो जैसा आपने देखा था निकल आपका कॉपर और सिल्वर के फेज डायग्राम में, कि हमें टोटल कितने पॉइंट्स हमने मार्क किए थे वहां पे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट्स मार्क किए थे, राइट? अब जो रिमेनिंग 4 पॉइंट्स हैं वो कैसे मार्क करें, राइट? तो मुझे पॉइंट्स मार्क करना है अभी, एक पॉइंट और मुझे मार्क करना है, सी एंड डी, राइट? सी एंड डी, और आप आ जाओ ले लीजिए एफ एंड जी। तो जो आपके पॉइंट्स हैं सी एंड डी, है ना, ये कहाँ पर एडजस्ट करते हैं? ऑन द लाइन ऑफ यूटेक्टिक टेम्परेचर। जो आपका यूटेक्टिक टेम्परेचर से मैंने जो लाइन ड्रॉ की है, राइट, है ना, जिस लाइन पे आपका यूटेक्टिक पॉइंट एडजस्ट कर रहा है, वहीं पर आपके ये दोनों पॉइंट एडजस्ट करेंगे, सी एंड डी, राइट? तो मुझे सी और डी मार्क करना है। तो मार्किंग करने के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, राइट? तो मुझे एक तो मिल गया है कि रेफरेंस इस 183 डिग्री सेल्सियस की जो लाइन है इसी पर आएंगे, राइट? सी इधर कहीं आएगा, राइट, और डी इस तरफ आएगा। तो यदि मुझे इन दोनों के लिए इनका कंपोजिशन एलॉय मिल जाए, मीन्स वेट परसेंटेज ऑफ टेन यदि मुझे मिल जाए कि सी के केस में कितना है और डी के लिए कितना है, राइट, तो मैं दोनों पॉइंट यहाँ इजीली मार्क कर सकता हूँ, राइट? तो सी के केस में आपका जो कंपोजिशन एलॉय है इस एलॉय के लिए, वो होता है आपका, आप इसको कुछ बुक्स में ये 18% मिलेगा, कुछ में 19% मिलेगा, हल्का सा वेरिएशन है। आप कोई भी एक वैल्यू याद रखें, आप 80% या 19%, राइट? तो 18% मैंने यहाँ से मार्क किया, समथिंग यहाँ कहीं आएगा जी, यहाँ पर 18%। और जो आपका डी पॉइंट है, डी पॉइंट के लिए जो आपका वेट परसेंटेज ऑफ टेन है, वो आता है आपका 97% और 97.5%। तो 97 यहाँ कहीं आएगा, 97 या 97.5 ये आ गया। इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लें, ये देखिए। तो दिस इज पॉइंट सी, ये सी है मेरा और ये है मेरा डी। तो आपका यूटेक्टेड पॉइंट और पॉइंट सी डी तीनों आपके एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज सी, पॉइंट सी, और दिस इज डी, राइट? अब जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं आपके एफ एंड जी, वो आपके नीचे आते हैं। आप यहाँ कहीं एफ लिख दें सबसे नीचे आके, और यहाँ पर रख दें आप जी, राइट? तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट्स यू हैव टू मार्क, राइट? आफ्टर दैट यू हैव टू जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स थ्रू द स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन से तो ऊपर वाले पॉइंट्स आप ज्वाइन कर देंगे, फिर अब नीचे देखिए आप नीचे कैसे ज्वाइन करेंगे। ये मुझे मालूम है कि ए टू सी क्या क्या मिलती है, यहाँ पर एक कर्व लाइन मिलती है, राइट? इन दोनों पॉइंट को आप इस तरीके से ज्वाइन कर दें, है ना? तो ये रहा मेरा ए टू सी, राइट? और सी से एफ मुझे मालूम है कि सी से एफ जब मैं आता हूँ, राइट, तो मेरा कर्व कुछ इस तरीके से आता है,
यहाँ मिला दीजिए, राइट। और बी से डी ये थोड़ा हल्का सा कर्व रहता है, हमें देखने में लगता है कि स्ट्रेट लाइन है, राइट। और ये यहाँ से फिर कर्व लाइन है, और इसको लास्ट में जी से मिला देना है, राइट। तो ये देख रहे हैं आप, हम है ना, ये कंप्लीट हमारा फेस डायग्राम बन गया है, यूटेक्टिक फेस डायग्राम, ठीक है। इसके लिए और लेड एंड टिन एलॉय के लिए, लेड एंड टिन एलॉय। यस, ठीक है। ये है फेस डायग्राम। अब मुझे फेसेस के नाम यहाँ पर सब इंडिकेट कर दीजिए आप, फेसेस के क्या नाम होंगे, राइट। ऊपर आपका पूरा लिक्विड है, राइट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अल्फा क्या प्लस एल एग्जिस्ट करेगा, यस, यहाँ पर आएगा अल्फा प्लस एल, राइट। एल या इस रीजन में आएगा बीटा प्लस एल, राइट। एल ठीक नीचे इस पूरे रीजन में मिलेगा आपको अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये इधर जो रीजन है आपका ए सी एफ, इसमें पूरा आपका अल्फा है, अल्फा राइट। और ये जो रीजन इधर पूरा, इसमें आपका प्योर क्या बीटा है, बीटा, इधर आपका बीटा है। तो दिस इज यूटेक्टिक फेस डायग्राम फॉर दिस एलॉय लेड एंड टिन, ठीक है। इस तरीके से बनाए, ये सेम प्रोसीजर वी हैव अडॉप्टेड फॉर द फेस डायग्राम ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर सिल्वर में भी हमने ये प्रोसीजर अडॉप्ट की थी, राइट। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं आपके लिए यूटेक्टिक एलॉय के लिए, ठीक है। तो पहले फेस डायग्राम बनाना है। देखिए, आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन में पर्टिकुलर एलॉय का नाम नहीं आएगा कि आप लेड के लिए बनाइए या आप उसके लिए बनाइए, राइट। आपसे जस्ट ये पूछा जाएगा डिफाइन यूटेक्टिक फेस डायग्राम, या फिर पूछा जाएगा एक्सप्लेन यूटेक्टिक फेस डायग्राम ब्रीफली, ठीक है, या ड्रॉ द यूटेक्टिक फेस डायग्राम फॉर यूटेक्टिक एलॉय, है ना। तो आप किसी का भी कॉपर सिल्वर का या लेड एंड टिन में से किसी, दोनों में से किसी का भी आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। सर, ये हाँ, जो पॉइंट सी और डी हैं सर, एक में 18% है सर, वो 18% का कंपोजिशन है। ये 18% आपका टिन है। यहाँ पे हमने देखिए टिन को ऐड करना है, यहाँ से स्टार्ट किया जीरो से, तो यहाँ पे आके हमने 18%, जब आपका टिन यहाँ पर आएगा, ये 18% है यहाँ पे, ठीक है। ये 18% टिन, यहाँ तक सर एट्टीन इधर से परसेंट हाँ इधर सर जो क्या बोलते हैं जो मतलब नहीं सर, 10 10 सर 10 थोड़ी होगा, 18% टीन होगा या लीड होगा, 80% 18% वही साइड तो 18% लीड टिन है ना, होगा। हम जो इस तरफ जब नहीं आप मूव कर होगा रहे हो, तो ये मैंने क्या लिखा है, वेट परसेंटेज ऑफ टिन, मतलब इधर हम जाते जा रहे हैं तो आपका टिन का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। ये मैंने बताया ना आपका, टिन आपका सॉल्यूट है और लेड आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हम टिन को ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पर टिन का जो परसेंटेज है 97 और 97.5% है यहाँ पे इस सर। पॉइंट के 97 बीच क्यों होगा सर, जब ये 18% है तो सर वो 82 कुछ होना चाहिए ना सर, में। तो होगा ना सर, अगर दोनों को मिलाएंगे तो 100 होना चाहिए। ये तो 100 तो यहाँ होगा ना इस पॉइंट पे, इसके पहले हमने पॉइंट लिया है ना, यहाँ पे 97.5। पर सर दोनों को जैसे सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट करेंगे तो 100% होना चाहिए ना। तो 100 यहाँ पर पहुंचेगा ना, वो हम 100% मिक्स कर रहे हैं ना प्रॉपरली, लेकिन जो डिफरेंट फेसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये है ना, ये डायग्राम उनके फेसेस, डिफरेंट फेसेस फॉर्मेशन को बता रहा है। जब हम ऐड करते जाएंगे टिन, और जब वो ठंडा होगा आपका एलॉय, तो उनमें जो फेसेस का फॉर्मेशन है वो डिफरेंट हो रहा है। मतलब इस रीजन में यदि हम यहाँ पर बात करें, तो वहाँ पर लिक्विड प्लस अल्फा टाइप का सॉलिड है आपका, यहाँ पर आपका दूसरा फॉर्मेशन हो गया, बीटा टाइप का सॉलिड डेवलप हो गया। जब कम्प्लीटली वो सॉलिड फॉर्म में आएगा इस रीजन में, तो वो अल्फा प्लस बीटा टाइप दोनों का मिक्सचर होगा। लेकिन पर्टिकुलर यदि हम इस रीजन की बात करें, ये देख रहे हैं आप, मेरा पेन देखिए, सर पर्टिकुलरली इस रीजन की बात करें, तो यहाँ मुझे केवल अल्फा सॉलिड ही मिलता है पूरे सर रीजन में। आप जबकि देख रहे हैं कि यदि हम थोड़ा सा सी पॉइंट के इधर जाएं हम, राइट, तो आप देख रहे हैं पूरा लिक्विड स्टेट है या लिक्विड प्लस सॉलिड है, राइट। लेकिन
टेम्परेचर भी ज़्यादा है और हम 18% टिन भी ऐड कर चुके हैं उसके, इस तरह आप देखेंगे तो पूरा आपका अल्फा सॉलिड मिलता है। वैसे इस तरह आप देखेंगे 97% टिन ऐड करने के बाद जो रिमेनिंग 3% बचता है उसमें पूरा आपको बीटा सॉलिड मिलता है, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल से हमें ये चीजें मिली हैं। मेरे को ये लग रहा था कि जैसे 18% ये है तो उधर वाले 82 होना चाहिए, मेरे को ये लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लास्ट क्लास में थे, इसमें नहीं थे, सिल्वर टॉपर के जो मैंने बताया था फेस डायग्राम, था। ये तो आपको कनेक्टेड रहना चाहिए प्रॉपरली। आप रिवीजन किया करो, है ना, रिवीजन नहीं किया सर, करो वो इन इस दोनों बना रहे थे ना दोनों इसलिए तो। हाँ ये दोनों ग्राफ को ड्रॉ करके देखो, राइट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना, इस डायग्राम, क्योंकि नोट्स में नहीं आएगा ये, तो मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके बताया, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नाउ इज इट क्लियर फेस डायग्राम, है ना, यूटेक्टिक फेस डायग्राम। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे ये भी क्या है, ये भी आपका यूटेक्टिक फेज डायग्राम है, राइट, जो कि मैंने आपको कंप्लीटली अभी ड्रॉ करके बताया है, ये वही फेज डायग्राम टोटली, इसमें कहीं कोई तो डिफरेंस नहीं। लेड और टिन के लिए ना सर। हेलो, हाँ, लेड टिन के लिए, राइट, तो आप देख रहे हैं ना, PVSN, लेड एंड टिन, वेट परसेंटेज ऑफ लेड एंड टिन, राइट, ये वही डायग्राम है सेम, है ना, ये भी वही डायग्राम है जो कि मैंने ड्रॉ किया था अपनी अपने नोट्स में, राइट। तो आपको भी इसी तरीके से ड्रॉ करना है, ये टोटली मैंने फ्री हैंड बनाया है इसको भी, है ना। स्केल का आप यूज कर सकते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, है ना। यदि आपकी कंट्रोलिंग अच्छी है तो नो नीड टू ड्रॉ दी ऑल कंस्ट्रक्शन लाइन्स, राइट। लेकिन टेम्परेचर आप तो मार्क कर लें दोनों साइड, राइट, इधर आपने 0 से स्टार्ट किया है कि यहाँ पर आपका 100, यहाँ पर 100 होगा, यहाँ 200 होगा, ये 300 होगा, राइट, और यहाँ पर आपका 400 होगा, है ना। ये सेम आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करके इस तरफ भी मार्क कर लें ताकि आपको तो मार्किंग करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वैसे ही आपका जो कंपोजिशन एलॉय कंपोजिशन है वो भी मैंने दोनों तरफ मार्क कर लिया, ये 20 20 40 40, है ना, ताकि आप जिधर से भी देखें आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट होता है यहीं पर भी। जैसे यहाँ पर मैंने दोनों आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, यहाँ देखिए, यहाँ पर SN 18% है, SN 80% है, मीन्स यहाँ पर लेड कितना है, 82% है ना, यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑफ टिन आपका 18% है, तो यहाँ पर लेड आपका 82% है, टोटल सॉल्यूशन 100% है। जब हम यूटेक्टिक पॉइंट पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर टिन का परसेंटेज 61.9 है, तो उस समय आपका 100 में से माइनस करें तो पीवी का परसेंटेज 38.1 समथिंग है। जब हम यहाँ पहुंचेंगे बी पॉइंट पे, तो जैसे जैसे टिन का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, लेड का परसेंटेज कम होता जाएगा, तो यहाँ पर लेड आपका 3% बचा बस, ठीक है। तो इसलिए यूटेक्टिक पॉइंट की इस तरफ हमें जो सॉलिड फॉर्मेशन मिल रहा है, जो एलॉय मिल रहा है, वो उसका जो फेस है वो चेंज हो जाता है ना, उससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए उसको मैंने बीटा नाम दिया है। इस तरह मुझे जो सॉलिड मिला है उसको मैंने अल्फा नाम दिया है, ठीक है। और इस रीजन में, पर्टिकुलर इस रीजन में आपको टोटली अल्फा ही मिलेगा, इस रीजन में टोटली आपको बीटा ही मिलेगा, तो है ना। इस एलॉय में टोटल हमें, मतलब एक आपका लिक्विड फॉर्मेशन अलग चीज है, पर आपका अल्फा प्लस एल बीटा प्लस है, मतलब वन एक फेस, दो फेस, अल्फा 3 फेस, बीटा आपका 4 फेस, और अल्फा प्लस बीटा 5 फेस, है ना। तो हमें टोटल इसमें 5 डिफरेंट फेसेस मिल रहे हैं, ठीक है ना, इस एलॉय में हमें टोटल 5 डिफरेंट फेसेस मिल रहे हैं। अटेंडेंस मार्क कर दें आप सभी, टाइम कम बचा है, राइट। रिज्वाइन करना रीज्वाइन जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते हैं, है ना।
सर, चल आप नोट्स कर दीजिएगा सेंड सर। कर देंगे, चलिए आप कर लीजिए, थोड़ी देर 5 मिनट का और है ना डिस्कशन है ना, रिज्वाइन कर लीजिए सभी। फिर से ज्वाइन कर लें आप लोग सभी है ना।